कॉन्सेप्ट है रोमांस के ऊपर, इतना सारा वॉर चल रही है, इतनी सारी मारधार चल रही है, तो एक छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन है थैंक यू टीम की तरफ से, दैट्स इट। फिल्म के थीम के साथ मोर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू की सिक्योरिटी हो, एक अच्छी एटमॉस्फेयर हो, म्यूजिक और प्यार दो, और यहाँ कुछ हादसे भी हुए थे जहाँ यू नो एक कपल था जो बैठे हुए थे, आई थिंक दैट गर्ल लॉस्ट हर लाइफ आल्सो, तो आई थिंक मोर कंफर्टेबल एंड अ मोर सिक्योर प्लेस। It has so happened कि यहाँ बैंड स्टैंड पे लोग आके काफी बैठते हैं, तो that's why it starts. Probably one of the most romantic places because of the setting sun. और इसीलिए Land's End और बैंड स्टैंड का जगह जो है ब्रीच कैंडी है, ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो जनरली यू नो रोमांटिक कपल्स स्पेंड टाइम वेदर वॉकिंग टॉकिंग। बोला था ना यहाँ सी रॉक एंड बैंड स्टैंड में काफी कपल्स आके बैठते हैं, तो that's why it is like. Any Bollywood celebrities you would like to fit in this bus? किसी को इस बस की टिकट देना चाहेंगे किसी बॉलीवुड में? मैं और अक्षय है अभी बहुत है, और किसी को क्यों भेजे? बट कपल है, वी आर टॉकिंग कपल, कपल या सो वी आर अ कपल, उसे ये बस इज फॉर एवरीवन, आप जिनको मर्जी चढ़ा दें। आप किन को चढ़ाना चाहते हैं? हमारा सवाल तो ये कि आप वो क्यों, मैं क्यों चढ़ाऊं किसी को? आपकी बस है, आप ही शुरू किया साहब, कंडक्टर खुद थोड़ी कहता है नीचे से आओ इस बस में चढ़ो, अपने आप जिसको आना होता है। आप कौन सी बसों में चढ़े हो? किसी को बुलाता है कोई आपके बाल खींच के अंदर लेके प्रमोशन बता लें? प्रमोशन में मैं थोड़ी बैठ के सबको बुलाऊंगा अंदर से, जिसको अंदर आना है आप भी आइए, आप अपनी गर्लफ्रेंड को ले आइए। शादीशुदा आप? शादीशुदा नहीं नहीं कुआरे हो? मुझे क्या लगता है मतलब आपकी शक्ल पे लिखना।